अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, आई एम विद फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, वर्क एंड एनर्जी। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास हाइट पर मौजूद है तो वो क्या है, उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कोई भी बॉडी जब है वो मोशन में है, हरकत में है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से हो जाती है, हाइट की वजह से होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट की वजह से है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसा कि न्यूटन का जो एप्पल था वो हाइट से नीचे की तरफ गिरा था तो उसमें कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। यानी कि जो हाइट पे ऊपर मौजूद था, रेस्ट के अल्पे जब दरख्त के ऊपर मौजूद था तो कौन सी एनर्जी मौजूद थी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी सेम में। तो वो नीचे आया तो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और गिरा किस वजह से है, ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से नीचे गिरा है। तो ये हमारे पास थी एनर्जी की कुछ टाइप थी, हमने डिस्कस की। आगे हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ होती है। यहाँ पे हमने एक स्केच बनाया हुआ है कि हमारे पास देखें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने लटकाया हुआ है जिसका मास एम है, वो उसको लटकाया हुआ नीचे की तरफ। तो उसकी जो ज़मीन से सरफेस से हाइट जो है वो एच है हमारे पास है। उसके ऊपर फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो किसके बराबर है, एफ, इसको कहते हैं हम एफ जी कहते हैं। वो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है हमारे पास एफ जी। तो ये एफ जी डब्ल्यू इजिकल टू एफ हो जाएगा हमारे पास, और एफ जी इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एम जी हो जाएगा हमारे पास। यानी कि इसका वेट के बराबर है हमारे पास इसकी फोर्स जो है, यानी कि जितना इसका वेट होगा उसी हिसाब से इसके ऊपर क्या हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। तो हमारे पास डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। और जो जो इसमें एनर्जी स्टोर है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है हमारे पास है। और किस वजह से है, वो पोजीशन की वजह से है। पी ई जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, पी ई को हम पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पोजीशन की वजह से हमारे पास मौजूद है। इसको आगे हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, कि हम इसको कैसे डिफाइन किया गया है, कि हमने इसको डिस्कस किया है कि एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से स्टोर होती है, किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से होती है, यानी कि हाइट की वजह से होती है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी वो उसकी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इस पोजिशन इज नाउन एज पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी जो है वो किसी भी बॉडी में मौजूद हो, किस वजह से हो, उसकी पोजिशन की वजह से हो, उसे क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी कि उसकी हाइट की वजह से हो, कि बॉडी कितनी सरफेस से ऊंची पड़ी हुई है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो इसके SI यूनिट जो है हमारे पास वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के जाउल हैं। एनर्जी के यूनिट जाउल होते हैं, तो किसी भी किस्म की एनर्जी होगी हमारे पास तो उसके यूनिट क्या होंगे, जाउल ही होंगे हमारे पास। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके यूनिट जाउल ही हो जाएंगे। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल है हमारे पास स्टोर वाटर इन अ डैम। डैम में जो हम पानी को स्टोर करते हैं, वो डैम क्या होता है कि पानी जो होता है ऊंचाई पे ऊपर स्टोर होता है, तो वो क्या होता है, इसकी पानी क्या होता है, हाइट के ऊपर मौजूद होता है। तो पानी फिर क्या हो जाता है कि वो जब हम छोड़ते हैं तो पानी नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो उससे वजह से किस में कन्वर्ट होती है, एनर्जी हाइट पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। अगर आगे हम एक टर्बाइन लगा दें प्रोपेलर के साथ, तो जो प्रोपेलर घूमेंगे तो वो एनर्जी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। तो जो वाटर में हम डैम स्टोर करते हैं तो वो कौन सी होती है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास कौन सी है, हमारे पास हैमर है। हम हैमर को लेते हैं, एक हथौड़े को लेते हैं, उसको किसी भी नेल के ऊपर मारते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर ज़र्ब लगाते हैं, तो हमारे पास वो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जब हम ऊंचाई से लेके नीचे की तरफ लेके आ रहे होते हैं तो वो किस वजह से हो रही है, हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी होती है हमारे पास, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें। तो हम इसको कुछ यूँ लिखेंगे, तो हैमर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, जब हम उसको किसी भी नेल के ऊपर ज़र्ब लगा रहे होते हैं या चोट लगा रहे होते हैं, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसा कि न्यूटन का जो सेब नीचे गिरा था तो उसमें कौन सी एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। वो हाइट से नीचे की तरफ जा रहा था तो वो क्या थी, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी हमारे पास स्टोर थी। आगे स्ट्रेच्ड वो है, एक एथलीट है,
तो उसने क्या किया है कि वो स्ट्रेच बो है, उसके पास एक बो है, एक तीर कमान है मौजूद है, वो अपना एम ले रहा है। तो उसने क्या किया, एम लेने के लिए अपनी बो को क्या किया, खींचा है। तो जब उसने खींचा है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और उसकी कौन सी टाइप है हमारे पास, जो खींची हुई उसने एनर्जी की है वो स्ट्रेच्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम किसे कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी कि किसी भी स्ट्रेच्ड बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो कौन सी होगी, हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे कि आप रबड़ ले लें, रबड़ लेके उसको खींचे तो उसमें जो खींची हुई एनर्जी, जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। या फिर एक कैटापुल्ट या गुलेल ले लें, गुलेल के अंदर आप एक स्टोन रखेंगे, स्टोन रखे आप खींचेंगे उसको, तो उसमें जो खींची हुई उसमें जो रबड़ के अंदर एनर्जी स्टोर होती है हमारे पास वो कौन सी होती है, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास। तो हम इसको कहेंगे कि जो स्ट्रेच्ड ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बो में कौन सी एनर्जी हो गई, स्ट्रेच बो में हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास किस वजह से होती है, उसके वेट की वजह से होती है, यानी कि हाइट की वजह से होती है। तो जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट की उसके ऊपर कोई वर्क डन हो रहा था, क्योंकि जो फोर्स होती है उसको ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है। तो हम यूँ कहेंगे कि WF = W हो जाता है हमारे पास। तो हम यूँ कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होगा हमारे पास, यानी कि जो हमने वर्क किया है वो उसके इक्वल क्या हो जाएगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। वर्क डन कैसे इक्वल हो गया, हम बॉडी को ज़मीन से हाइट की तरफ लेके जा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो जो एनर्जी हो जो कन्वर्ट हो रही है किसमें हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में हो रही है। जब बॉडी हाइट पे पहुंच जाएगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वर्क डन जो होगा हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, जैसे कि हम बॉडी को हाइट के ऊपर लेके जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, PE = F। एफ ए फोर्स है हमारे पास और साथ क्या आता है, डिस्टेंस होता है। वर्क डन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का हमारे पास क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। तो हमारे पास फोर्स हो जाएगी। अब हमने पढ़ा है कि हमारे पास F जो है ये हमारे पास कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी कि जो बॉडी हाइट के ऊपर मौजूद है उसके ऊपर फोर्स लग रही है जो उसके वेट के बराबर है, वो कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो FG = हो जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गई है, 1 आ गई है। तो ये FG = क्या हो जाएगा, FG = mg हो जाएगा। और ये जो S है हमारे पास, ये हम देखते हैं कि यहाँ पे S इस किसके इक्वल है, H के इक्वल है हमारे पास। हम क्या देंगे, S = H हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्वेश्चन 2 होगी हमारे पास, और ये वाली क्वेश्चन क्या होगी हमारे पास, 3 होगी हमारे पास है। क्वेश्चन 2 और 3 को हम किस में पुट करेंगे, क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PE = क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा FG की जगह पे हमारे पास, क्योंकि इसके वेट के बराबर है जो फोर्स अप्लाई हो रही है। और साथ क्या आ जाएगा, S क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया। आप इस तरह इससे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं किसी भी बॉडी की, कि हमारे पास मैस हो बॉडी का, उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो हमारे पास, और साथ क्या हो, बॉडी की हाइट हो, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। आज का इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।